नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो बहुत दिनों के बाद एक बढ़िया सी वीडियो लेके एक बार फिर से आपके सामने, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल आखिरी तक देखते रहना। बहुत शानदार वीडियो है, मज़ा आने वाला है। कॉमेंट पर कॉमेंट, भारी कॉमेंट कि भाई साहब नोवो कब ले रहे हो, नोवो कब ले रहे हो। तो वैसे तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। और अभी मैं खड़ा हूँ सियाराम एग्रोटेक विदिशा महिंद्रा शोरूम के बाहर, और आज वो दिन आ गया है। आज है जो नवरात्र चल रहे थे, आज नवमी का दिन है, और आज के दिन हमने ले लिया है ट्रैक्टर नोवो। वो देखो सामने खड़ा हुआ है नोवो। तो चलो पहले दिखाता हूँ ट्रैक्टर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, क्या क्या। वैसे मैं हैंड कर चुका हूँ एक छोटी सी वीडियो डाल के रूल्स ऑफ लाइफ पे, मैक्सिमम लोग उस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि ट्रैक्टर कौन सा लिया है। तो वो एक वॉक अराउंड रिव्यू दिया था मैंने, तो कुछ लोगों ने जज कर लिया था और कुछ लोग कह रहे थे तुम कब लोगे, तो समझ जाया करो यार। चलो पहले दिखाता हूँ। तो सामने देखो ये है अपना ट्रैक्टर महिंद्रा अर्जुन नोवो सियाराम एग्रोटेक। जिसको भी चाहिए संपर्क करो, नंबर सामने है। और 605 DII CIDI इंजन लॉन्च जरूर हो गया है, लेकिन आ नहीं रहा। ये है DII इंजन DX मॉडल, मतलब डीलक्स मॉडल, टॉप मॉडल जो महिंद्रा अर्जुन का आता है, ये वो ट्रैक्टर है। और इसमें अपन ने फाइबर हुड के साथ लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराओ, तो इसको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट ही लिया है अपन ने जो कंपनी से आता है। 4 सिलेंडर 57 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, और जो कि है शिफ्टिंग शटल गियर के साथ 15+15 स्पीड। और सामने बड़े बड़े मिरर जो कि आपको पीछे का शानदार नज़ारा देंगे। और सियाराम एग्रोटेक ने काफ़ी अच्छी सजावट की है, इसमें बलून्स वगैरह लगाए, रिबन लगाए हैं, और 1 2 3 4 5 हाई लो मीडियम, मतलब 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स गियर के साथ आता है ये। और एक और शानदार चीज़ यहाँ आपको मिलेगा रिमोट। इस रिमोट का यूज़ करके मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा लाइट कम होने दो फिर दिखाता हूँ क्या है। ठीक है, 4 व्हील गियर ये सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, ऊपर करोगे 4 व्हील में, नीचे करोगे 2 व्हील में। तो इस ट्रैक्टर में जो अपन ने फाइबर हुड लिया है उसमें लाइट है, और फैन भी आया है जिसके लिए अलग से स्विचेस दिए गए हैं यहाँ ऊपर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, और उसके लिए पहले अपने को चाबी ऑन करना पड़ेगी। ये देखो इग्निशन ऑन हो गया, और उसके बाद जैसे ही मैं ये दबाऊँगा तो ये बाहर की लाइटें जल गई, ये जो सामने है, और इससे ये फैन चालू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है एक बूट, और इसी में गई है वायरिंग। आप कुछ पेपर वगैरह कुछ रख सकते हो, और सारी वायरिंग इसी में से है। ये इसकी चाबी है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी देखो मीटर जो है 1 किलोमीटर पे है, 1.9। वैसे चल तो ज़्यादा जाते हैं, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में चल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसका स्टेयरिंग, और पुराने वाले नोवो से बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इसमें, ये अलग है थोड़ा सा। ट्रैक्टर की डिलीवरी लेंगे बहुत ही जल्द, तो बने रहो वीडियो में। मिठाई आ रही है, फूल मालाएँ आ रही हैं, पूजा पाठ करेंगे, फिर लेके चलेंगे मंदिर और फिर सीधे घर। तो ट्रैक्टर की बात करें तो भाई साहब काफ़ी बल्की लुक दे रहा है, बहुत ही बड़े बड़े टायर हैं। फ्रंट में इसमें MRF के टायर हैं, और पीछे हैं JK के रेडियल टायर, जो कि 9/5/24 के हैं ये टायर, और ये हैं 16/9/28 के, जो कि काफ़ी मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक टूल, और पुराने वाले नोवो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन हुआ करती थी बीच में, जिसको दबाओ और ये ऊपर जाता था, लेकिन यहाँ पर ये एक दिया है, इसको जैसे ही अपन खींचेंगे ये ऊपर चला जाएगा। 2 हाइड्रोलिक जैक दे रखे हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन अभी चूँकि ये इसमें लगा हुआ है तो टूट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत सारी जगह है, और हैवी ड्यूटी हिच टापलिंग जो कि इसके साथ में आई है, और एक पटरी, और ये चार्जेबल है, अलग से पैसे लगते हैं इसके, कंपनी से कुछ नहीं आता है।
भैया फूल माला और प्रसाद आ चुका है और अब करते हैं पूजा पाठ का कार्यक्रम स्टार्ट, क्योंकि सनसेट भी होने ही वाला है और धूप बहुत रहती है, गर्मियों का समय है, इसलिए हम शाम के समय डिलीवरी ले रहे हैं। और नवमी का दिन है इसलिए मुहूर्त की कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा दिन जो है मुहूर्त ही मुहूर्त है। लगाओ अगरबत्तियाँ लगाई जा रही हैं जुगाड़ से टेप मार कर। हम जाएंगे पहले मंदिर जो कि अपने यार्ड से थोड़ी सी पहले पड़ता है। ओके, और गियर चेंज कर लेता हूँ मैं, तीसरे गियर में डाल देते हैं। मंदिर आ गए भैया, गेट खुल गया है, ठीक है। तो भैया बजरंगबली के दरबार में आ चुके हैं, मंदिर आ गए हैं और ये खड़ा है हमारा नोवो 605 4x4। अपन हाथ धोते हैं और फिर पूजा पाठ करवाते हैं गुरुजी से।
भैया फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने यार्ड पे वापस मंदिर से, और अब कल से इस ट्रैक्टर पे ऊपर परीक्षण अलग अलग तरह से चालू हो जाएंगे, तो वीडियो बने रहना, वीडियो देखते रहना, मज़ा आने वाला है। ये देखो आ गया अपना गेट, अपनी टीम का नया मेंबर आ चुका है। क्या कहना चाहोगे मम्मा? मैं बहुत खुश हूँ, अब अपने खेतों में यही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, ये बोल भी ले। मैंने गाड़ियों का नाम सुना था, मैं राजस्थान घूमने गया था, जो रेत में चलती है रेगिस्तान में, फोर व्हील गाड़ियाँ जो होती हैं। अब ट्रैक्टर चलेगा, फोर व्हील ट्रैक्टर चलेगा, फाइबर रोड कैनोपी के साथ शानदार लुक और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आ चुका है।